ये जो बैक टू विलेज स्कीम आ गई है, इससे लोगों के सपने में भी नहीं होता कि ऐसा काम हो जाएगा बैक टू विलेज से, क्योंकि इससे ये फायदा हो किसी आम आदमी को, तहसीलदार ना भी तहसीलदार या असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाने का इजाजत ही नहीं होता था। आज बैक टू विलेज की मदद से यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर, तहसीलदार साहब, वीडियो साहब आम आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और जवाबदेह होता है। बाकी जो भी गवर्नमेंट के लेवल पे डेफिनेटली उसको टॉप प्रायोरिटी। इससे जो आम इंसान है, आम लोग हैं, उनको कम से कम ये मालूम होता है कि आवाम ताकत का सरचश्मा होता है, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है वो डोर टू डोर हर आदमी के पास पहुंचते हैं ताकि उनकी ज़रूरियात को समझ सकें, उनकी ज़रूरियात को नोट कर सकें, ताकि उनके मुश्किलात का इजाला हो सके। हम सरकार के बहुत ही मशकूर हैं जिन्होंने ये इकदाम उठाया है जिनसे आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। देखिए, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एक बात यह है, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव हैं, स्कीम्स हैं, उनमें पब्लिक की ओनरशिप हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पब्लिक से एक फर्स्ट एंड असेसमेंट, एक फीडबैक मिले कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मुलाजमीन, प्रोजेक्ट्स जो काम कर रहे हैं क्या ज़मीनी सतह पर उनका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। जन भागीदारी का जो कंसेप्ट है उसमें सिर्फ यही चीज़ है कि पब्लिक की ओनरशिप हर चीज़ में हो, तो ये ज़रूरी है लोगों में जाना, उनको बताना क्या हम उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या उस स्कीम से वो वाकिफ़ हैं, क्या गैप्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और काफ़ी सीनियर ऑफिसर जो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं दो दो दिन के लिए, वो फीडबैक लेकर एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को देते हैं। इसमें सिर्फ काम ही नहीं करना बट एक सिस्टम में जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए फोकस है गवर्नमेंट का।